وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا وأرضك عطاء وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारह दिगर सुबह पढ़िए आ
दे असरार से Hey, hey, hey.
Bye.
मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद कर सल्लल्लाहु कहती दिया
माँ तुम्हें हमारे कसम, हमारे कानों को देखो जो किस कदर गले के दर्द से मुझको बस अब दुआ ये करो तू सकीना मर यहाँ तो खाने जिंदा में का ये महल में हिंदू जो चौके सुनी सदा खबा से खास से मह के जाए उस ने किसी से पूछो तो इन कैदियों का घर होगा से इनकी गले के टुकड़े होते ये कौन मर गया कि इसको ये लोग रोते हैं अजीज ओ शाम के नशान कि मजलिस में तुमको आने की फुर्सत नहीं मिली, मजलिस में तुमको आने की फुर्सत नहीं मिली, जैनब से लग रहा है इजाजत नहीं मिली, मजलिस में तुमको आने की फुर्सत नहीं मिली, जैनब से लग रहा है इजाज़त नहीं मिली, और जैनब को ख़त्म करनी थी ये जंग, इसलिए जैनब को ख़त्म करनी थी ये जंग, इसलिए अब्बास को वगा की इजाज़त नहीं मिली, जैनब को ख़त्म करनी थी ये जंग, इसलिए अब्बास को वगा की इजाज़त नहीं मिली, और हैं इज्जतें कनीजी में जैनब की है यजीद, है इज्जतें कनीजी में जैनब की है यजीद, तुझको तो अपने बेटे से इज्जत नहीं मिली, है इज्जतें कनीजी में जैनब की है यजीद, तुझको तो अपने बेटे से इज्जत नहीं मिली, और जैनब सबब अजा का अजा के सबब हमें, जैनब सबब अजा का अजा के सबब हमें, दोनों जहां की कौन सी दौलत नहीं मिली, दोनों जहां की कौन सी दौलत नहीं मिली, और रुमाले फातिमा में गिरे जज्ब हो गए, रुमाले फातिमा में गिरे जज्ब हो गए, कैसे कहूँ इन अश्कों की कीमत नहीं मिली, में गिरे जज्ब हो गए, कैसे कहूँ इन अश्कों की कीमत नहीं मिली, और फर्श अज़ा पे उनसे भी दिल से मिला सिराज, फर्श अज़ा पे उनसे भी दिल से मिला सिराज, जिनसे कभी भी मेरी तबीयत नहीं मिली, फर्श अज़ा पे उनसे भी दिल से मिला सिराज,
जिनसे कभी भी मेरी तबीयत नहीं मिली और मजलिस में तुमको आने की फुर्सत नहीं मिली, ज़ैनब से लग रहा है इजाज़त नहीं मिली। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद आलम। والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ على إن أرشدها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات پڑھ دیجیے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مادر حسین سلام اللہ علیہ کے نام ہی سے ہوتا ہے اور آپ کے کہنے سے قبل جو خطبہ میں پڑھتا ہوں روزانہ آپ کے سامنے، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جو مخدومہ کونین نے غاصب کے دربار میں دیا تھا اور 10 سال کا عرصہ ہو گیا اپنی ہر مجلس میں یہی خطبہ پڑھتا ہوں تاکہ یہ الفاظ جو ہے نوجوانوں کو یاد ہو جائے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو صدائے حق بلند کی تھی اس کا آغاز انہی جملوں سے تھا، الحمدللہ علی ما انعم و لہ الشکر علی ما الہم و الثناء بما قدم۔ یہ پورا خطبہ ہے، کبھی موقع ملا اور آپ لوگ سننے کے خواہش مند ہوئے تو اس خطبے ہی کی شرح جو انشاءاللہ کریں گے۔ اسی ممبر سے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وراثت نبوت، وارث نبی کون ہے؟ مسلسل 2 مجلسوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کل ایک وعدہ آپ سے کیا تھا
चूँकि गुफ्तगु थी वारिस नबी के लकब ख़ास अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से, एक रिवायत रह गई थी जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से मैं आगाज़ करूँगा। आप लोग बुलंदतरीन सलावात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जुमला आपकी खिदमत में कल अर्ज़ किया था कि अमीरुल मोमिनीन जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो नबी की हयात में भी अमीरुल मोमिनीन हैं। अब चाहे कोई माने या ना माने, ये सारी तफसीली गुफ्तगू कल की मजलिस में अर्ज़ हो गई। वो कौन सी रिवायत है, वो कौन सा कलाम मासूम है जो इस बात पर दलालत करता है कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह रसूल अकरम की ज़िंदगी में भी अमीरुल मोमिनीन। रिवायत सिर्फ हमारी कुतुब में मौजूद नहीं है, अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है। यानी ऐसी रिवायत है जिसे शियों ने भी नकल किया, सुन्नियों ने भी नकल किया, और रावी जो है वो इब्ने अब्बास हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना जुलूसन मअन नबी, हम सब नबी के साथ बैठे हुए थे, और ऐसे में अली इब्ने अबी तालिब सलावतुल्लाह व सलाम अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आए और आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका मौला रसूल अल्लाह को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब मेरे मौला ने अपने मौला और हम सब के मौला रसूल अल्लाह को ऐसे सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह ने जवाब दिया और यूँ जवाब दिया, व अलैका सलाम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, रिवायत मुकम्मल हो जाए फिर आप लोगों की इंशाल्लाह जो नारों की सदा होगी वह आप लोगों की खुशी और सुरूर विलायत में जो शादमानी है उसका पता देगी। बस रिवायत को मुकम्मल होने दीजिए, वअलैका सलाम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वो अली इब्न अबी तालिब जो मकाम अदब में ये कहते हुए नजर आते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में एक गुलाम हूँ, अना खासिफु नअले रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के नाले ने मुबारक जो है किसी मकाम से फट गई थी, मैंने उसको पेवंद लगाया, ये मेरा शरफ है। जो अली इस इम्तियाज़ को बयान करे वो कैसे हो सकता है कि असहाब के मजमे में रसूल ये कहें वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन और मौला खामोश हो जाए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अना अमीरुल मोमिनीन व अंत हय्युन, आप मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं जबकि आप जिंदा हैं, होना तो आपको चाहिए का नाम व अना हय्युन, भले मैं जिंदा हूँ फिर भी तुम अमीरुल मोमिनीन हो। या अली, जुमले सुनिए, या अली ये मैंने नहीं कहा, भाई रसूल अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, या अली ये मैंने नहीं कहा, या रसूल अल्लाह फिर किसने कहा, का मरर चा बिना, जुमले सुनिए, मरर चा बिना अबिल अम्स, तुम कल हमारे पास से गुजरे थे, मैं जबराइल से गुफ्तगू कर रहा था, फ़क़ाल अली जबराइल, जबराइल ने मुझसे कहा लिमा लम युसल्लिम अलैना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ने सलाम क्यों नहीं किया, जबराइल ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने सलाम क्यों नहीं किया, अगर वो सलाम करते तो हम खुश होकर जवाब देते। सवाल रसूल अल्लाह कर रहे हैं, कल तुम गुजरे थे, जबराइल ने कहा अमीरुल मोमिनीन, और ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने सलाम क्यों नहीं किया, हम खुश होकर जवाब देते। मेरे मौला ने जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह इस्तखलैतुमा, आप दोनों अकेले थे, तन्हा थे, अलग थे, ये खिलाफ अदब था कि दो बंदों के दरमियान में घुस जाता। यह अदब भी सीखिए मौला मुत्तकियान से, दो बंदे अगर अलग से बात कर रहे हैं तो सलाम के जरिए मुदाखलत नहीं कर सकते, मैंने इसलिए सलाम नहीं किया। ताकि हाँ या अली, वो दहिया कलमी नहीं, वो जबराइल थे, उन्होंने जब मुझसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन अगर हमें सलाम करते तो हम खुश होकर जवाब देते, तो मैंने कहा जबराइल तुम अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो, अली को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो, तो जबराइल ने जवाब में कहा या रसूल अल्लाह, फिर सुनिए, या रसूल अल्लाह मैं नहीं कह रहा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं कह रहा, ये तो बद्र की उस रात में अल्लाह ने मुझे कहा था, जाओ जाकर अमीरुल मोमिनीन से कहो कि जरा पहले सफों के दरमियान अपनी तलवार चलाए, मलाइका को अच्छा लगता है अली को इस तरह चलते हुए देखना, बस वो रात थी जिस रात को अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन कहा। अब जुमले सुनिए, रसूल के जुमले, या अली अंता अमीरो मन फिस समाओ,
وامير من فلان وامير من مضى وامير من بقي فلا امير بعدك ولا امير قبلك اي علي بدر کی رات اللہ نے امیر کہا جتنے گزر گئے سب کا امیر تو جتنے آئیں گے سب کا امیر تو جتنے زندہ ہے سب کا امیر تو جتنے مر گئے سب کا امیر تو آسمان والوں کا امیر تو زمین والوں کا امیر تو نہ تجھ سے پہلے کوئی امیر نہ تیرے بعد کوئی امیر روایت کا تجمہ فلم یسم احدا اللہ نے کسی کو امیر المومنین نام دیا ہی نہیں سوائے تیرے یا علی انت امیر من فی السماء جو آسمانوں میں بستے ہیں ان کا امیر تو ہے آسمانوں میں اگر اسرافیل ہیں تو امیر علی ہیں آسمانوں میں اگر میکائیل ہے تو امیر علی ہے آسمانوں میں اگر عزرائیل ہے تو امیر علی ہے آسمانوں میں اگر جبرائیل ہے تو امیر علی ہے آسمانوں میں اگر عیسیٰ و ذوالیسیٰ و ذوالکفل چلے جائیں تو امیر علی ہے زمین میں جتنے ہیں ان کے امیر بھی علی ہے جو گزر گئے ان کے امیر بھی علی جو آئیں گے ان کے امیر بھی علی نہ علی سے پہلے کوئی امیر تو ہم ایسے کو امیر مانتے ہیں جس کو امیر ہونے کی سند خود رسول نے دی یا علی تم امیر المؤمنین ہو وارث نبی جب موضوع چڑھتا ہے جی وراثت نبی تو ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں صرف ایک کتاب ہے علامہ ہلی کی اس میں انہوں نے لکھا الفین کتاب کا نام الفین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے 2000 دلیلیں دی ہیں علی کی امامت پر سلام اللہ علیہ 1000 عقلی دلیلیں 1000 نقلی دلیلیں عقلی دلیلوں سے بھی علی کو مولا ثابت کیا نقلی دلیلوں سے بھی علی کو مولا ثابت کیا کسی نے پوچھا گیا کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ وارث نبی فقط علی ہے اور کوئی نہیں تو عربی زبان کا جو پہلا لغت ہے العین جس کا نام ہے اردو کا پہلا لغت اس کا نام بھی العین ہی ہے لیکن اب وہ نادر و نایاب ہے ملتا نہیں ہے علامہ طالب جوہری صاحب کی لائبریری میں قبلہ نے مجھے خود دکھایا تھا مرحوم نے کہ یہ اردو زبان کا پہلا لغت ہے العین اس کا بھی نام عربی کی مناسبت سے رکھا گیا تو خلیل ابن احمد فراہیدی اس سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ وارث نبی جو ہیں وہ علی ہیں امام جو ہے وہ علی ہے حجت اللہ علی ہے مجھے بڑا پیارا جملہ کا ادیب بھی تھا شاعر بھی تھا لغت لکھنے والا پہلا بندہ کہنے لگا احتیاج الکل الی و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل ساری کائنات کا علی کے پیچھے چلنا اور علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز بن کر رہنا یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا اگر کوئی امیر ہے تو وہ علی ہے یہ عقلی دلیل ہے یہ روایت اس کے لیے نہیں چاہیے عقلی دلیل ہے یا علی یا علی مولا علی امیر ہے مولا علی وارث ہے مولا علی جو ہے جانشین رسول ہے سب کچھ ہے دلیل کیا ہے دلیل ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تم تاریخ کھول کے پڑھ لو جب کوئی امت کا بنایا ہوا خلیفہ پھنستا تھا دوڑ کر در علی پہ جاتا تھا چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں آتے تھے ہم تو خلیفۃ اللہ کو امین الدین کہتے ہیں امین الدین یعنی جو دین کا امانت دار ہے اس کو ہر مسئلہ معلوم یہ واقعات ہم نے نہیں لکھے مناقب خوارزمی کتاب ہے ابو المؤید خوارزمی حنفی عالم دین ہے علم علی ابن ابی طالب مولا علی دیکھیے عقلی دلیلیں دے رہا ہوں کبھی آپ سے بات کرے جی وراثت میں دلیل کیا ہے وارث ہونے پر کہ یہ دلیل ہے مولا کا علم اتنا تھا سارے محتاج تھے تو کبھی بھی جو محتاج ہو اسے اوپر نہیں لایا جاتا اس کی نسبت جو غنی اور بے نیاز ہو خود سنی حنفی عالم نے لکھا کا علم علی ابن ابی طالب کی دلیلیں پہلی دلیل کیا ہے یہ ساری دلیلیں وراثت پر بھی آئیں گی پہلی دلیل کا یہ ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک دیوانی عورت کو لایا گیا جو پاگل تھی جس نے جو نے فعل حرام انجام دیا تھا نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا تھا
खलीफे दोम ने कहा इनको जाके संसार कर दिया जाए, तो मौला ने फौरन आकर ये जुमले कहे कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, पागल में अकल नहीं आ जाती, सोने वाला जाग नहीं जाता, तब तक हुक्म शरीयत आता ही नहीं है। तुम पागल पर कैसे हद जाए, बेचारी दीवानी है, दीवानी पर तो कोई हुक्म शरीयत है ही नहीं, ना उस पर नमाज वाजिब है, ना मुहर्रमात है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। थोड़ा वक्त, ये इल्म अली इब्न अबी तालिब, मैंने नहीं लिखा, कोई अगर इतराज करे कि किसने लिखा, ये लिखा है अबुल मुअय्यद ख्वारज्मी ने अपनी किताब मनाकिब ख्वारज्म। इसके फौरन बाद दूसरी हदीस, कुछ अरसा गुजर गया, एक और खातून को लाया गया, ये दलील है वरासत नबी पर। जो खातून अकलमंद भी थी, शोर भी रखती थी, समझ बूझ भी थी, फहम व फरासत भी थी, सब कुछ ठीक ठाक फिट फाट, उन्होंने भी पहले हराम अंजाम दिया था, गलत काम किया था, तब चूंकि पागल नहीं थी, खलीफे दोवम ने कहा इन पर हद जारी की जाए, संसार किया जाए। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, मौला फिर आ गए, कहा इस पर कैसे हद जारी हो सकती है, गलती इसने की है जो पेट में बच्चा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। यहाँ खलीफा दोवम के जुमले मैं नहीं कह रहा, उन्होंने नकल किया, अपनी कुतुब में लिखा, खलीफा दोवम के जुमले, अजजत निसाओ अयलिदना मिसला अली इब्न अबी तालिब, कायनात की औरतें आजिज हैं अली जैसे बेटे को जन्म दे सके। ये कौन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं कि हर मकाम पर जहाँ लोग परेशान होते थे, जहाँ हैरान होते थे, किसकी बारगाह में आते थे, अली की बारगाह में। इल्म हासिल करना है अली से, फजल हासिल करना है अली से, कमाल लेना है अली से, अखलाक लेना है अली से, कुरान के फजाइल सुनने हैं अली से सुनो, अंबिया के फजाइल सुनने अली से सुनो, कमालात लेने अली से लो, हर चीज़ दर अली पर। लेकिन उसके बावजूद अली को अली का हक न देना, इसी को कहा जाता है मुस्तज़ाफ की हकीकत। ये मुस्तज़ाफीन हैं, ये हकीकत में मुस्तज़ाफीन हैं। या अली अंत माल हक वल हक व माक, अली हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के। हदीस मशहूर है या नहीं है, अली माल हक वल हक को मा अली, अली हक के साथ है और हक। इसीलिए हम लोग जब मौला अली का फरमान आया तो फिर पूछते नहीं क्यों चूँ चरा, हमारे यहाँ चीज़ें नहीं पाई जाती, मौला ने कह दिया बात ख़त्म हो गई। ऐसा ही है या नहीं है, फरमान मासूम के आगे कोई सवाल नहीं है, मौला ने कह दिया बात खत्म हो गई। अली माल हक वल हक मा अली, अब जो भी अली के बिलमुकाबिल आए हम उसे गलत समझते हैं, चाहे वो जमल वाले हो, चाहे सफीन वाले हो, चाहे नहरवान वाले हो। कहने लगे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप ऐसी बातें ना करें। कल भी मैंने कहा इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के खिलाफ बातें, हमने कहा क्यों, कहा मसला ये है कि वो नामूस से नबी का एहतराम पामाल हो रहा है, नामूस का एहतराम ज़रूरी है, अगर आप नामूस से नबी के बारे में बात करेंगे तो ये बात गलत है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप नामूस की बात कर रहे हैं तो नामूस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, संस्कृत और उर्दू या पंजाबी शराइकी ये पश्तो ज़बान का लफ्ज़ तो है नहीं, नामूस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ही से उर्दू में आया है। नामूस कहते उसे हैं लुगत में मिसबाह अल-फय्यूमी की, ताजुल उरूस ज़बेदी की, अलायन खलील इब्न अहमद फराहिदी की, और बड़ी बड़ी अरबी लुगात जिनमें लिखा है नामूस का मतलब यह है साहिबु सिर, जो राजदान हो, जो राज को राज रखे उसे नामूस कहते हैं। और इसी के हम रदीफ हम काफिया एक लफ्ज़ है, वो है जासूस, जो घर का भेदी हो। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, नामूस। और दूसरा लफ्ज़ क्या है, शियों की तारीख है, हमने हमेशा नामूस का एहतराम किया, जासूस का नहीं किया। नामूस का एहतराम हम लोग हमेशा से करते हैं, शिया कोई ऐसा नहीं है जो नामूस समझता हो कि ये नामूस है नबी है और एहतराम न करे, हम उसे शिया ही नहीं मानते जो नबी की नामूस का एहतराम न करे। नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए, अली हक के साथ, हक अली के साथ, ठीक है। लेकिन ये उलमा अहले सुन्नत ने लिखा अपनी कुतुब के अंदर, जो बुज़ुर्गों के मामलात थे उस पर जो है हमें खामोश रहना चाहिए। तौहीन सहाबा जायज़ नहीं है, तौहीन सहाबा हराम है, मुकद्दसात की तौहीन हराम है। ये लोग जो आज ये नारे बुलंद कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग अपनी तारीख उठाकर क्यों नहीं पढ़ते।
90 साल ये मजलूमियत मेरे मौला की, 90 साल जजीरतुल अरब के हर मेंबर से मौला की शान में गुस्ताखी हुई। तब कहां मर गए थे ये लोग जो तौहीन सहाबा का दम भरते हैं। इब्ने अब्बास ने देखा मजमा लगा हुआ था मस्जिद में, ये मजलूमियत है और सुनिए इस मजलूमियत को, मस्जिद में मजमा लगा हुआ और बैठकर अली को नऊज़ु बिल्लाह बुरा कहा जा रहा है। इब्ने अब्बास आगे बढ़े और बाज़ रिवायतों में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का नाम है कि वो आगे बढ़े और वो लोग जो अली को बुरा कह रहे थे उनको जाकर कहा कि तुम लोग क्यों अल्लाह को गालियाँ दे रहे हो। अली को बुरा कह रहे थे, जो सहाबी रसूल था उसने जाकर, ऐसे सहाबी का हम एहतराम करते हैं, ऐसे सहाबी की जूतियां हमारे सर का ताज है, कि तुम लोग अल्लाह को गालियां क्यों दे रहे हो। हमने तो अल्लाह को कुछ नहीं कहा, हम तो अली को कह रहे हैं कि मैंने अपने कानों से सुना नबी ने कहा या अली मन सबका फकत सब बनी व मन सब बनी फकत सब अल्लाह। अली इसने तुझे गाली दी उसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। अली को जो भी बुरा कहेगा अली को नहीं अपने रब को बुरा कहेगा। सारी नस्बतें तो वहां से जुड़ी हुई है। जिसको गाली देना मुतरादिफ है नबी को गाली देने के और नबी को गाली देना मुतरादिफ है अल्लाह को गाली देने के, उसको 90 साल। और जिनको घर में अलग गालियां पड़ती थी गली में अलग पड़ती थी उनकी तौहीन हराम है। जो घर से निकलते थे तो अब्बा गाली दे के निकालता था, गली में आते थे तो दोस्त गाली देते थे, जिससे पूरा इलाका वाकिफ था कि गाली से ज्यादा अच्छा कोई लफ्ज ही नहीं है इनके लिए। उनकी तौहीन पे बात हो रही है, उनके एहतराम पे बात हो रही है, उनका एहतराम होना चाहिए। वो जो सारे एहतराम समेट के बैठा है, जो अमीर कायनात है, जो असदुल्लाह गालिब है, जो अली इब्न अबी तालिब है, उसकी शान में गुस्ताखी। चारों तरफ हुक्म किया गया कि जितनी, कल भी मैंने परसों बल्कि अर्ज किया था, हदीस पे पाबंदी क्यों लगी? मौला अली के फजाइल को छुपाने के लिए। लेकिन गजब यह है, खुदा का गजब, कि जितना छुपाया गया अल्लाह ने छुपाने वालों से भी फजाइल लिखवाए हैं। वो सवाइक मुहरिका एक किताब है, वो लिखी हमारे शियों के खिलाफ गई है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इतना मेंबर से उसके हवाले दिए, लगता है वो शियों की किताब है। उसमें इतनी हमने फजाइल की हदीसें निकाली, अब सुन्नी बेचारे भी यही समझते कि शियों ही की किताब होगी, अक्सर हवाले इसी के आते हैं। ये खुदा का तस्खीर वाला काम है। इब्ने जौजी मुतअस्सिब फजाइल अली लिख रहा है, इब्ने असाकिर मुतअस्सिब फजाइल अली लिख रहा है, इब्ने हंबल मुतअस्सिब फजाइल अली लिख रहा है। जितने मुतासिब तारीख में उठाकर देखिए जिनको आले मोहम्मद के फजाइल हजर नहीं होते, सब ने दो दो जिल्दों पर, तीन तीन जिल्दों पर फजाइल अली लिखे हैं। तुम नहीं लिखोगे, हम जबरदस्ती जबर मशीयत लिखवाएंगे, फजाइल लिखवाएंगे। लिखे फजाइल, उन्होंने किताबें भर दी। बगदाद में आज से 50 साल पहले किताब लिखी एक सुन्नी आलिम ने, मनाकिब अली, और कुछ ने तो तब कर लिखी है, यानी फजाइल अली तब कर लिखी। बाजार में गए, एक साहब ने किताब लिखी मनाकिब अली ले इब्ने बाउनी, 2 जिल्दों पर है, सन 800 हिजरी में लिखी गई, अभी 1400-600 साल पुरानी किताब। वो कहता है मैं निकला शाम के बाजारों में तो मैंने देखा चारों तरफ किताबें थी, मनाकिब मुआविया, मनाकिब उमर, तो मैं तब गया कि जिसके मनाकिब हैं उसके तो हैं ही, और दूसरों के मनाकिब छपे हुए। तो उसने शाम में तब कर फजाइल अली पर किताब लिखी, मनाकिब जिसके थे था सुन्नी आलिम ने लिखा, 2 जिल्दों पर किताब लिखी। इसी तरह मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अल्लाह तस्खीर करता था, मशीयत इलाही का तक फजाइल लिखवाए गए, फजाइल की किताब लिखी मनाकिब अमीर अल-मोमिनीन पर, नाम था उसका खसाइस अली। क्या नाम था? खसाइस अली, अली की खसूसियात। और किताब लिखी अल्लामा अमीनी अब्दुल हुसैन, शेख अब्दुल हुसैन अमीनी,
नजफ अशरफ में है, सुकुल हवैश में इनका मकबरा है। 11 जिल्दों पर किताब है अल गदीर। गदीर के ऊपर आज तक इतनी अच्छी किताब नहीं लिखी गई। कमाल इन्होंने ये किया है कि पूरी तारीखी बहस अलग की है, रिवायात अलग जमा की है। जितने लोगों ने अल्लामा अमीनी की ज़िंदगी तक अल गदीर के मौजू पर शेर कहे, तमाम शायरों के अशार भी इस किताब में जिक्र है। नक्कन साहब जो थे हिंदुस्तान के, नक्कन साहब का भी कसीदा जो गदीर पर है वो अल गदीर में मौजूद है। जितने शायर थे जिन्होंने अरबी में शेर कहे सब उन्होंने जमा कर दिया। तो आशिक से मौला अली के तीन तीन दिन ये बंदा हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में भूखा रहा। लोग किताबें नहीं देते थे ले जाने के लिए, कहता था लाइब्रेरी में डाल के बंद कर दो बाहर से, मैं तीन दिन बाद निकल आऊँगा। न खाता था न पीता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इश्क अली में लिखता रहता था। शेख अब्दुल हुसैन अमीनी आशिक अली ऐसे होते हैं। पता चला कि जी सुन्नी आलम दीन ने बगदाद में किताब लिखी है, नाम है खसाइस अली। खसाइस खसीसे की जमा है। खसीसा कहते हैं या खासा कहते हैं उस सिफत को जिस मकाम के लिए जिक्र की जाए वही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है या नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी खसूसियत ये है कि मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं, तो आप कहेंगे ये तो कोई खसूसियत नहीं। 25 लोग यहाँ से खड़े हो जाएंगे, जी हम सब आज़ादार हैं, हम सब ने काले कपड़े पहने हैं। मैं कहूँ जी मैं मोमिन हूँ, मैंने अकीक की अंगूठी पहनी, ये मेरी खसूसियत है, आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं, हम सब के पास अकीक की अंगूठी, हम सब जो है अत्तखत्तुम बिल यमीन, जो 11वें मौलाना ने हदीस में इरशाद फरमाया मोमिन की 5 अलामत से एक अलामत यह है कि अकीक पहनता है, हम सब ने पहना हुआ है। मैं कहूँ कि मेरी अलामत यह है मैंने दाढ़ी रखी हुई है, तो आप सब कहेंगे जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दाढ़ी के नूर से मुनव्वर है, दाढ़ी हमारे चेहरों पर भी। ये खसूसियत नहीं कहलाएगी। कोई ऐसी चीज़ जिक्र करनी होगी जो कम से कम इस पूरे मजमे में किसी के पास पाई न जाए, तब कहा जाएगा जी हाँ ये खसूसियत है, वरना खसूसियत नहीं कहलाई जाएगी। मसलन मैं ये कहूँ कि मेरे सर पर अमामा है, आप कहेंगे हाँ ये खसूसियत है, अमामा यहाँ पर किसी के सर पर नहीं है। और अगर नीचे कोई मुअम्मा बैठा होता मैं कहने की जरूरत ना करता। तो किताब लिखिए खसाइस अली, यानी वो रिवायतें और वो फजीलतें जो अली के साथ खास हैं, वो मनकबतें वो फजाइल और किसी के लिए नहीं। अल्लामा अमीनी को पता चला, शौक़ के आलम में नजफ़ से निकले, बगदाद पहुँचे, दखल बाब किया। कैसे आना हुआ? कहा कि जी वो सुना है कि आपने मेरे मौला के हक में उनके फजाइल में किताब लिखी। कहा तो नहीं लेकिन दिल में यही होगा, आपको नहीं किताब को देखने आया हूँ, आपकी ज़ियारत नहीं किताब की ज़ियारत मकसूद है। आइए आइए बिस्मिल्लाह, चाय पानी बिस्किट जो जमाने का तरीक़ाकार था, किताब मंगवाई गई। किताब खोली, पहली हदीस قال رسول الله توجهات मेरी तरफ रहे صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي। अली हक के साथ है और हक। खसाइस का मतलब क्या है? यही मतलब है ना कि मुनफरिद, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल यकताए दहर जिसे कहा जाता है, बस अली ही के साथ और किसी के साथ नहीं। हक अली के साथ और अली, लेकिन जो आया है वो भी अली का अजीब दीवाना है। अल्लाह का सरकार आपने इस हदीस में क्या लिखा है? 25-50 सफ़े लिखे, साबित किया है कि ये फजीलत सिर्फ मौला अली की है, और मुख्तलिफ किताबों से इसकी असनाद रिवायत की सनद मैंने जिक्र की है, उस पर बहस की है, उलमा के अखवाल जिक्र किए हैं, शुरुहात जिक्र किए हैं, जितने इसके मतन थे, जितना इसका टेक्स्ट था वो सारा लिखा है। तो 25-50 सफ़े सिर्फ इस हदीस पर लिखे हैं कि ये हदीस ख़ास है अली इब्न अबी तालिब के साथ। फौरन अब्दुल हुसैन अमीनी है, मजाक नहीं है। क्या क़िबला आपने ये हदीस नहीं सुनी? सुन्नियों ने भी नकल की, अशियों ने भी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अम्मार महल हक वल हक महा अम्मार। तो जो हाथ है यानी घबरा तो नहीं गए आप? अम्मार हक के साथ है। अच्छा ये हदीस मोतबर हदीस है, ऐसा बनी कि ज़ईफ़ हदीस हो। अम्मार हक के साथ है। अम्मार यासिर जंग सिफीन में जब लोगों ने पूछना शुरू किया था तो अम्मार के जरिए भी इस्तदलाल हुआ था, या अम्मार तख्तुल कल फ अतुल बागिया, अम्मार तुम्हें वो ग्रोह कत्ल करेगा जो सरकश होगा। कातिल अम्मार कौन था पता चल गया? अम्मार माल हक, अम्मार हक के साथ होगा और हक
इसका मतलब खुसूसियत तो न रही। अली वालों ने घबराना नहीं है, खुसूसियत न रही। तब उनसे कहा, अब चूंकि वो अली वाले नहीं थे, परेशान हो गए, सर झुक गया, आपने मेरी 25-50 सफ़े की मेहनत पे पानी फेर दिया, बिल्कुल मेरे जहन में हदीस नहीं आई। उनके बेटों के सर भी झुक गए, वो जो क़िबला व काबा थे जिन्होंने खसाइस से अली लिखी थी, उनका सर भी झुक गया। लेकिन मैंने कहा ना, ये दीवाना है अली है, यह अब्दुल हुसैन अमीनी है। कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं लेकिन लिखा सही है तुम्हें, ये खसूसियत मेरे मौला अली की है। क़िबला वो कैसे बता दीजिए? कहा, हदीस को पूरी पढ़ो, अम्मार के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, अम्मार व माल हक वल हक व मा अम्मार यदूर व अम्मार हैसो मा दार अल हक। अम्मार हक के साथ है, हक अम्मार के साथ है, जिधर जिधर हक जाता है उधर उधर अम्मार जाता है। लेकिन अली के बारे में कहा, अली जो माल हक वल हक व मा अली यदूर अल हक यदूर अल हक यदूर अल हक हैसो मा दार अली, अली के साथ है और हक अली के साथ है। कभी भी अली हक के पीछे नहीं गया, जिधर अली चलते हक भी उधर जाता। हम उस अली को इमाम नहीं मानते जो हक के पीछे जाए, हम उस अली को इमाम जो हक के पीछे जाए, उस अली को इमाम मानते हक जिसके पीछे सफ़र करता है। तो लगता यह है जो अम्मार के बारे में भी कहा था कि अम्मार हक के साथ है, वो हक यही ज़ाते अली ये है, अम्मार अली के साथ है, अली अम्मार के साथ है, जिधर अली जाते हैं उधर अम्मार जाते हैं। मैं हक कुछ भी नहीं है सिवाय ज़ाते अली के, जो अली ने कर दिया वही हक है, जो अली ने कह दिया वही हक है, इम्कान खता है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि अली कुछ कहें या कुछ करें और हक से दूर हो। लिहाजा अली का जो भी इकदाम है वो आयन हक है। जब ये सारी बातें रसूल कर कर गए थे, फिर भी उम्मत को हक नजर ना आया। जब अली जैसा हक नजर ना आए, फिर इससे ज्यादा बेबसीरती कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा अंधापन कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान की जो आयात मौजूद है, सूरह ताहा की 124वीं 125वीं आयत, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन लहु मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्ब लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुंतु बसीरा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तो दुनिया में ठीक ठाक था, तूने मुझे क्यों अंधा कर दिया? कौन कहेगा वो जिसके बारे में कुरान में यह है, मन अअरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र शुरूगर्दानी की, मैं उसकी ज़िंदगी में तंगी डाल दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, क़ियामत के दिन उसे अंधा महसूर करूँगा। पुकार के कहेगा, लिमा हशरतनी अअमा, मुझे क्यों अंधा महसूर किया? वक़द कुंतु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखने वालों में से था। मासूम ने फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री से मुराद विलायत अली है, जिसने विलायत अली को छोड़ा उसे अल्लाह बरोज़ हश्र अंधा महसूर करेगा। मैसेज ये होगा, पैगाम ये होगा, रब की तरफ से अनवान ये होगा, जिसे अली जैसा हक नजर ना आए वो दुनिया में भी अंधा होगा, आखिरत में भी अंधा होगा। जिसे अली नजर ना आए उससे बड़ा अंधा कौन है? और जिसे अली नजर आ जाए वो जाहिरी तौर पर अंधा भी हो, फिर भी वो अंधा नहीं होता, फिर भी वो अंधा। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के बारे में हमारी तुसी में अजीब रिवायत मौजूद है। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी 94 साल का बूढ़ा, जिसकी बुढ़ापे की वजह से कैफियत यह है कि नाबीना अलग है, पलके उठा नहीं सकते, पलके भी जो है आँखों पर है, और उसके बाद भवें भी लटक कर आँखों पर आ गई, खाल लटकने का ये आलम है, बिल्कुल बुढ़ापे की आखिरी कैफियत, कमर झुकी हुई है, आशा टेक टेक के चल रहे हैं।
किसी गली के कोने पर चबूतरे पे लोगों ने सवाल कर लिया, हमें अली के बारे में कुछ बताइए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत का जुमला ये है, फर्रफा हाजिबै है बियदै व قال من شك فيه فهو كافر। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रफा हाजिब, हाजिब कहते भवों को, अपनी भवों को यूं करके उठाया, जब भवों को उठाएंगे तो पलके भी उठेंगी। नाबीना आदमी है, भवे और पलके यूं उठाइए, अच्छा साइड पे रखा, चबूतरे में बैठे, यूं किया का जो अली में शक करे वो काफिर होता है। ठीक है नहीं है जाबिर, आप कर क्या रहे ये? ना भी तीन तीन हिजाबात हैं, नाबीना भी है, पलकों का हिजाब भी, बवों का हिजाब भी, तीन हिजाब है। लेकिन ये उठाकर बताया, तुम जो अली को नहीं जानते, अंधे तुम हो, मैं अंधा होके भी ना हो, देखो मुझे पता है जो अली में शक करे वो काफिर है। ला का खैरुल बरिया, इस कायनात में सबसे बेहतरीन हस्ती अगर कोई है तो अली इब्न अबी तालिब। इन लोगों का अगर जिक्र अली ना होता तो आज ये मजलिसें ना होती, आज मैं और आप बैठ के इस तरीके से जिक्र अली ना सुन रहे होते। जिन लोगों ने जान अपनी खतरों में डालकर भी लोगों के घरों में जाकर एक दूसरे के कानों में बैठ के फजाइल अली सुनाते थे, आज मैं और आप सुकून से फजाइल अली पढ़ लेते सुन लेते। उन लोगों की भी कदर करनी चाहिए। क्यों जिक्र अली किया जाए? इसलिए कि अगर जिक्र अली ना हो तो आपकी रूह ईमानी मर जाती है, अगर जिक्र अली ना हो तो आपकी तहारत, आपका तज़किया, आपका तकवा सब ख़त्म हो जाता है। तकवा बनता, तकवे की इब्तिदा ही विलायत अली से। अब एक जुमला अगर आप लोग इजाज़त दें, ये मेरी आदत है, मैं आदत से मशहूर हूँ, और कुछ बातें जो है नारे आप लोगों ने लगा लिए, हरारत ईमानी आप लोगों के अंदर बखूबी इसका एहसास किया जा सकता है। लोगों की तरफ से एतराज़ात का एक तांता है इस वक्त, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, खुदा इन बलाओं से हम सबको महफूज रखे, लेकिन चूंकि ये बलाएं अहाता कर चुकी हैं तो मुसलसल जवाब देना भी ज़रूरी है। मैं पिछले दिनों एक मैसेज मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था ये लोग जो जंजीर जनी करते हैं, कमा जनी करते हैं और बड़े दो दो घंटे खड़े होकर मातमी हलकों में मातम करते हैं, चूँकि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, तो इनका कोई अमल कबूल नहीं है। इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कुरान की आयत लिखी हुई थी, अल्लाह जो है अमल सिर्फ मुत्तकी से कबूल करता है। लिहाजा देखिए कितना ख़तरनाक हमला, ज़रा हमले की आप शिद्दत का एहसास कीजिए, यानी अगर आपके पास जवाब ना हो तो ख़तरनाक हमला है। सजा सजाया मैसेज, कोनों में उसके जो फूल बेल बूटे बनाते हैं शैतानी वो भी बने हुए थे, ठीक है, मैसेज शुरू हो रहा था, ये लोग जो मातम करते हैं, फिर उसमें तफसील थी मातम की, हर किस्म का मातम दिया हुआ था, और नमाज नहीं पढ़ते, फिर ख़वातीन का जिक्र भी था, हमारी माओ बहनों का, ये जो पर्दा नहीं करती और मजलिस में आ जाती है, पर्दा करना जो है वो वाजिब, बाल दिखाना ना महरम को हराम, बेपर्दगी के साथ आती हैं मजलिसों में, ये गैर मुत्तकी है। और जब गैर मुत्तकी है तो कुरान कह रहा है कि इन्नमा यतक़ब्बलल्लाहु मिनल, अल्लाह किससे अमल कबूल करता है? मुत्तकी से। लिहाजा आप तो मुत्तकी नहीं है, आपके किसी अमल का कोई फ़ायदा, कितना ख़तरनाक है इतराज़, शिद्दत का मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एहसास करें, फिर जवाब दूंगा मैं कि आपके सामने कुरान की आयत पेश की और आपके अफजल तरीन अमाल में से एक अमल पर शैतानी हमला किया गया। सारा साल इंसान इबादतें करे, सारा साल, एक दिन जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में बसर हुआ वो सारे साल की इबादत से अफजल है, सारे साल की इबादत। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई जुमला नहीं है, इसमें हदीस रसूल है, हदीस मासूम है,
किताब में मौजूद है, बिहार अखबार में मौजूद है, अल्लामा मजलिसी नकल की, हुब्बु औल मुहम्मदिन यौमन अफ़ज़ल मिन इबादत सनतिन, आले मोहम्मद की मोहब्बत में बसर एक दिन पूरे साल की इबादत से अफजल है। अब हमला कहाँ हो रहा है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि आप हमले की शिद्दत का एहसास करें। हमला हो रहा है इस एक दिन पर, हमला हो रहा है दो घंटे के मातम पर। भाई कुछ तो मेरे जैसे होते हैं जिनको भागना होता है मजलिस के लिए, लेकिन जब मौका मिलता है तो हम लोग भी मातम करते, और कुछ जो है उनको अल्लाह ने बिल्कुल बेबहरा और बेतौफीक और बदनसीब रखा है, जो मातमी हलकों से ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे शैतान हजरत उमर को देख के दूर भागता है। ठीक है, बिल्कुल वो लोग करीब नहीं आते, बिल्कुल उनको जो है करीब आने की तौफीक नहीं मिलती, मातम की कोई तौफीक नहीं मिलती उनको। ये लोग अब बकवास करने चले हैं मातम के खिलाफ, ये लोग अब देखिए वो है ना 73 फ़िरके, हर फ़िरका अपनी बदमाशी के लिए कुरानी आयतों का सहारा लेता है, जब हर फ़िरका ले रहा है तो मुकस्सिर भी ले रहे हैं, मुकस्सिरों को भी मौका मिल गया कि जी अब किसी ना किसी तरह आयात कुरानी सहारा लिया जाए। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह जो अमल कबूल करता है वो मुत्तकीन से करता है, जब मुत्तकीन से अमल कबूल करता है तो आप तो मुत्तकी हैं नहीं, दाढ़ी आपने नहीं रखी, माँ बहन आपने पर्दा नहीं किया मिसाल के तौर पे, नमाज आप नहीं पढ़ते, हमले पे हमला हो रहा है, रोज़ा आप नहीं रखते, लोगों के हुकूक का ख्याल आप नहीं करते, तो आपसे बड़ा गैर मुत्तकी कोई नहीं, लिहाजा आपके किसी मजलिस का किसी अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बड़ा ये हमला है, अगर किसी पर असरअंदाज हो जाए वो मजलिसों में आना छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नमाज तो पढ़ नहीं रहा वो, रोज़ा तो नख रख नहीं रहा वो, कुरान की तिलावत तो कर नहीं रहा, हराम कामों में लगा हुआ है। जो माएँ बहनें हमारी बेपर्दा हैं वो बेपर्दा हो, लेकिन मजलिस में आना छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, कि मेरे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितना ख़तरनाक शैतान का हमला है। शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया इस हमले का अपनी किताब सफीनतुल बिहार में, और फरमाया देखो तकवा के तीन स्टेप्स हैं, तकवा के तीन मरहले हैं। तकवा का मतलब क्या है? कहा तकवा का मतलब है बचाना। तकवा किसे कहते हैं? किसी से पूछा गया जी सरकार तकवा की तारीफ कर दे, तो उन्होंने कहा जब जो है चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो, चारों तरफ दलदल ही दलदल हो, चारों तरफ कचरा ही कचरा हो, अगर अपने कपड़ों को समेट कर निकल जाओ, कोई छींट ना आने पाए, इसी को तकवा कहते हैं। ठीक है, बच बचा के निकल जाओ, गुनाहों की दलदल से बच बचा के निकल गए, तकवा है। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कहा तकवा के तीन मरहले। पहला मरहला, इंसान अपने आप को खुलूद से बचाए। किसे बचाए? अब चूंकि अक्सर दोस्तों को लग रहा है खुलूद का माना नहीं मालूम, खुलूद यानी हमेशगी जहन्नम, हमेशा जहन्नम में वो जाएगा जो अली वाला नहीं। तवज्जो नहीं किया आप लोगों ने, हमेशा जहन्नम में कौन जाएगा? जिसका अकीदा ये नहीं कि अली खलीफा बिला फसल है। तो तकवे का पहला मरहला यह है कि तुम अपना अकीदा ठीक करो, अपने दिल में अली या औलाद अली की मोहब्बत को बसाओ, अली को वारिस नबी समझो और गैरों को गासिब समझो, तो तुम हमेशा जहन्नम में जाने से बच जाओगे, तुम पहले दर्जे के मुत्तकी बन गए अकीदा ठीक करके। दूसरा तकवा यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। तीसरा तकवा यह है कि इंसान एक लम्हे के लिए याद दुनिया दिल में न लाए, अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से बचाए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, सिर्फ अल्लाह अहले बैत का जिक्र करे, दुनिया की कोई मोहब्बत दिल में न हो। यह तकवा का आखिरी मरहला है जो औलिया के पास होता है, जो सुलह के पास होता है। तो एतराज करने वाले के मुंह पे तमाचा है, शेख अब्बास कुम्मी का यह जुमला, कैसे कहते हो अली वाला मुत्तकी नहीं, जब अली वाला नारा हैदर लगाता है तो यह बताता है मेरे दिल में अली की मोहब्बत है, और जब दुश्मनों पर लानत करता है तो ये बताता है गासिबों से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ अली वाला हूं, जन्नत में जाऊंगा जहन्नम में नहीं जा सकता। जिस देखिए, अब मैं थोड़ा सा और खोलू, अब ये बातें मैं खोलता हूं तो फिर लोग परेशान होते हैं, लेकिन खोलना जो है वक्त की ज़रूरत है, ये मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं। कल भी मैंने एक जुमला कहा था, वो बाद लोग उनके निगाहों से लग रहा था कि हजम में ज़रा मुश्किल हो रही है,
तो आज भी जो है मेरा जुमले को मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ ताकि आप हकीकत से आवाज़ें और आश्कार हकीकत हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये मामला है। अगर मैंने बड़े प्यार से धीरे धीरे जुमले समाज फरमाइए, अगर मैंने अपनी निगाहों को नामहरम से बचाया, ठीक है, नामहरम का वजूद सामने से आ रहा था, मैंने क़ुर्बतन इलल्लाह अपनी निगाहों को झुका लिया, अपनी मर्दानगी का सबूत दिया, अपने तकवा का सबूत दिया, लोग कहेंगे मुत्तकी आदमी है, इसने अपनी निगाहों को हराम से बचाया। साथ साथ चलिएगा, निगाहों को हराम से, निगाह क्या है, जिस्म का एक उज़्व है, ठीक है, अज़ाए जिस्मानी में से एक उज़्व। नामहरम से हाथ मिलाना हराम है, चाहे तुम जो भी मजबूरी बनाओ, मौला को ये चीज़ पसंद। अगर कज़न्स हैं, खाला की बेटी जी, चचा की बेटी, हमारे यहाँ तो ख़ानदानों में चलता है, तो ख़ानदानों में चलता है कहकर मौला की हराम करदा चीज़ हलाल। कज़न्स तुम्हारी नामहरम में हाथ मिलाओ कि हराम है। आपने कहा कि ठीक है, ख़ानदान में जो भी हो, मैं मौला इमाम ज़माना को खुश करने के लिए हाथ नहीं मिलाऊँगा। हराम से बचे मुत्तकी है या नहीं, अपने हाथ को हराम से बचाए मुत्तकी हो गए। गाना सुनना हराम है, झूठ सुनना हराम, गीबत सुनना हराम। कई गीबत हो रही थी, आपने कहा अली वालों के जो दोस्त थे उनकी गीबत तो सुन ही नहीं सकते, दुश्मनों की होती तो हम मज़े लेके सुन लेते, जो जायज़ है उसमें कोई हर्ज नहीं, शरीर मसाले मालूम मेरे से आते हैं, लेकिन अली वाले की गीबत सुनना हराम है। इसी कान में आग डाली जाएगी, गीबत कैसे सुनी थी, मैं नहीं सुन रहा। कान को बचाया हराम से, मुत्तकी है या नहीं है, तकवा है। कदम किसी हराम जगह की तरफ नहीं गए, रोक लिया कि नहीं मैं उस जगह नहीं जाऊंगा वहाँ हराम होता है। कदमों को बचाया मुत्तकी कहलाया या नहीं, निगाहों को बचाया बड़ा मुत्तकी है जी, निगाहें बचा रहा है। कानों को बड़ा मुत्तकी है, गाने नहीं सुनता बड़ा मुत्तकी, कानों से झूठ नहीं सुनता, गीबत नहीं सुनता, चुगली नहीं सुनता, गाना नहीं, बड़ा मुत्तकी है। हाथ नामहरम की तरफ नहीं बढ़ाता, बड़ा मुत्तकी है। कदम हराम की तरफ नहीं जाते, बड़ा मुत्तकी है। जो छोटे मोटे आज़ा थे, जो छोटे मोटे, छोटी सी आँख, चंद उंगलियाँ, छोटा सा कान, इसे बचाया हराम से तो मुत्तकी हो गए। दिल को गासिबान फदक की मोहब्बत से बचाया, मुत्तकी नहीं, इससे बड़ा तो कोई मुत्तकी नहीं है भाई। जो दुश्मन जहरा पे सुबह शाम लानत कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई मुत्तकी नहीं है। अगर गाना न सुनने वाला मुत्तकी है तो ये भी मुत्तकी है, अगर नामहरम को न देखने वाला मुत्तकी है तो ये भी मुत्तकी है, अगर उसका अमल कबूल है तो इसका भी तरीके आला कबूल है। तवज्जो है या नहीं, लेकिन जब इंसान जिक्र अली औलाद अली से दूर होता है उसे गाना बड़ा नजर आता है, लेकिन जो जमाने जाहिलियत में नबी के पीछे बैठकर गाने गाती थी वो बड़े नजर नहीं आते। जिन्होंने अपने गानों में नऊज़ बिल्लाह नबी का मजाक उड़ाया वो मुहतरम बन जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये गाना सुनना हराम है, ये गैर मुत्तकी। तो खुदा रा चश्म बसीरत को खोलिए, मियार विलायत अली है, मियार दुश्मनान अली की दुश्मनी है। अगर मोहब्बत से अली दिल में है, अली के दुश्मनों से बेजारी दिल में है, इसका मतलब इंसान मुत्तकी है, उसने अपने दिल को अग्यार से बचा रखा है। जब दिल को अग्यार से बचाया तो सबसे बड़ा दिल जो सारे अज़ा पे हाकिम है उसे हराम से बचा लिया, जब उसे हराम से बचा लिया तो मुत्तकी है, और अली तो है ही मुत्तकियों के इमाम, अली तो है ही इमामुल मुत्तकीन। अगर ये चीज़ें निकाल दें तो फिर शफाअत किधर जाएगी, जिस शफाअत की हम लोग बात करते हैं वो किधर जाएगी। शफाअत गुनाहगारों के लिए है ना, अगर आप ये चाह रहे वो गाना सुनने वाला वो भी मजलिस में नहीं आए, वो बेचारी जिसके चार बाल नज़र आ रहे हैं वो भी मजलिस में नहीं आए, वो जिसने दाढ़ी नहीं रखी तो वो भी मजलिस में नहीं आए। अगर आप करबला में होते तो वहब को आपने करीब नहीं आने देना था, हुर को आपने दूर से भगा देना था। ये सब गैर मुत्तकी इनको पास नहीं आने थे।
लेकिन जो हुसैनी होता है, हुसैन इब्न अली का तर्ज अमल था, कायनात में किसी का गुनाह हुर के गुनाह से बड़ा नहीं हो सकता। हजरत हुर सलामुल्लाह अलैह की ज्योतियों का सदका ये चंद जुमले आपको अर्ज कर रहा हूँ। बारहा मौला ने तौफीक दी उनके रोज़ा अकदस पे जाने की। सारे गुनाह कर लीजिए, सारे गुनाह दुनिया भर के कर लीजिए, लेकिन जो हुर का गुनाह है वैसा गुनाह कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, हुर ने खुद कहा, जब हुर आए तो सर झुका हुआ था, कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अरअबतु कुलूब औलियाइक, बारिलाह मैं वो हुर हूँ जिसने अली की बेटी ज़ैनब को रुलाया है। इससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है, इससे बड़ा कोई गुनाह है बताइए? दुनिया के आप गुनाह कीजिए, इससे बड़ा कोई गुनाह, इंसान आले मोहम्मद का दिल दुखाए, इससे बड़ा गुनाह है ही नहीं। लेकिन जब आए, हुसैन ने कहा तुमने रास्ता रोका, तुमने ये किया, तुमने वो किया, कुछ नहीं, सर झुका हुआ था। सिर्फ एक जुमला मिलता है तारीख में, इरफा रअसक, और अपने सर को उठाओ, तुम सर बुलंद हो, हुसैनी बन चुके हो। हम तुम्हारे बाप के फर्श पे नहीं आते, हुसैन इब्न अली के फर्श पर आते हैं। हम जितने भी गुनाहगार हो आएंगे, हमारी उम्मीद का नाम हुसैन इब्न अली है, वही हमें बख्शवाएगा, वही हमें राह रास्त पर लाएगा। आज नमाज नहीं पढ़ लेना, सदका मिलेगा, हुसैन की माँ का पढ़ेंगे नमाज में। आज गुनाह कर रहे हैं ना, हुसैन इब्न अली का सदका देखो मिल जाए, एक निगाह लुत्फ हो जाए, सारे गुनाह छूट जाएंगे, मुकम्मल तौर पर तायब हो जाएंगे। जब हुर इंसान बन सकता है तो फिर निगाह हुसैन हर इंसान को हुर बना सकती है। मैं और आप इस फर्श पर आते हैं हुसैन इब्न अली की खातिर, नाम हुसैन आता है दौड़े दौड़े चले आते हैं। अभी सिराज भाई ने एक शेर पढ़ा था कि जिनसे तबीयत नहीं मिलती, हकीकत है ये शेर नहीं है, शेर में तखय्युल होता है ना, ये हकीकत है कि इंसान जिन लोगों से नहीं भी मिलता या जो लोग उसके दुश्मन भी हैं, जब अपने घर में फर्श आज़ा बिछाता है, अगर वो आ जाए तो रोकने वाला रोक नहीं सकता कि मेरा फर्श थोड़ी, अब तो हुसैन के नाम का फर्श है। जब हुसैन आम बंदों का दिल इतना वसी कर सकते हैं, हुसैन का अपना दिल कितना वसी होगा? मुझ जैसे गुनाहगारों को नहीं बख्शेंगे, मौला मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, मैं बहुत बड़ा खताकार, आप अपनी करीमी को देख के मुझे माफ़ कीजिए। जितने गुनाहगार है, कोई गुनाहगार बड़ा गुनाहगार नहीं हो सकता। मैंने कहा लाइए सबको फर्श आज़ा पे, लाइए सबको कहिए आओ फर्श आज़ा पे आओ। कितने तुम्हारे गुनाह हैं, कितने गुनाह, समंदरों जितने गुनाह हैं, अगर समंदरों जितने गुनाह भी हैं, फर्श आज़ा पे आओ, हुसैन के नाम पे एक आंसू बहाओ, एक कतरा, एक कतरा आंसू अगर आंख से निकल कर रुखसार पे नहीं, रुखसार पे नहीं, पलकों के दरमियान ही रह गया, ये रिवायत का जुमला है, पलकों के दरमियान भी रह गया, अल्लाह समंदरों जितने गुनाह बख्श देता है। ये दर नजात गुनाहगारों के लिए तो है, जिसको आना है आए, इस फर्श अज़ा पे आए। हुसैन इब्न अली की माँ जहाँ अपना रुमाल लिए फिरती है, थोड़े से चंद आंसू हुसैन इब्न अली के नाम पर बहाए, देखे दुनिया कैसे बदलती है, देखे मुकद्दर कैसे संवरता है। आज चूँकि हुक्म है, तामील हुक्म में चंद जुमले हुसैन के उस बेटे के नाम पढ़ रहा हूँ जो हुसैन को सबसे प्यारा है, जो शबीह रसूल है, जो अली अकबर है। इस कदर ज़्यादा शबाहत समरातुल आवाद में मौजूद है कि नजरान में एक ईसाई पादरी ने ख्वाब में हज़रत ईसा को देखा। हज़रत ईसा ख्वाब में आए और कहने लगे कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेमा पढ़ो और इस्लाम को कबूल करो, ये आखिरी नबी है। ख्वाब में हज़रत ईसा ने रसूल अकरम की ज़ियारत कराई, कलमा इसने पढ़ा। जब ख्वाब से उठा तो पूछा कि ये नबी का इलाका कहाँ है, बताया गया मदीना, नजरान से मदीना आया। मदीने वालों से पूछा रसूल का घर किधर है, रसूल का तो इंतकाल हुए ज़माना हो गया, क्या कोई रसूल की निशानी है? का नवासा रसूल हुसैन इब्न अली मौजूद हैं।
हुसैन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैह के घर पर पहुंचा, दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा बजाया तो मौला हुसैन ने ख़ुद दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला देखा नजरान का कोई पादरी है, खड़ा हुआ है सामने। तो कैसे आना हुआ? का यही ख्वाब देखा है, हज़रत ईसा नबी अल्लाह ने कलमा पढ़ाया रसूल अल्लाह का, उनकी ज़ियारत करना चाहता था लेकिन नसीब में नहीं है, सोचा आपकी ज़ियारत कर लूँ। कहा आ जाओ अंदर, आ जाओ घर में, आ जाओ। हुजरे में बिठाया, इस्तकबाल किया, थोड़ी देर में अली अकबर को आवाज़ दी। जैसे ही अली अकबर हुजरे में वारिद हुए, ईसाई अपनी जगह से खड़ा हो गया। खड़े होकर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में इसी के हाथों पे कलमा पढ़ा था, बेदारी और ख्वाब में फर्क ना कर सका, इतनी ज्यादा शबाहत है रसूल। जब जब हुसैन को भी नाना की याद आती थी तो अकबर को बुलाते थे, अकबर मेरे सामने बैठ जाओ, मैं नाना की ज्यारत करना चाहता हूँ। खुद हुसैन ने कहा जब मेरा दिल तड़पता था। करबला आई मुसलसल अपने बाबा के साथ, शब आशूर आ गई, उम्मे लैला ने फिजा के हाथ पैगाम भिजवाया, बुलाया जाए अली अकबर को। क्या अली अकबर के लिए वक्त नहीं है कि अपनी माँ के पास दो मिनट आकर बैठे? अली अकबर जब खेमे में आए तो देखा अम्मा नई पोशाक लिए खड़ी है। अली अकबर को नई पोशाक पहनाई, बालों में कंघी की, खेमे में दूर एक शमा पड़ी हुई थी, शमा को उठाकर अकबर के सामने रखा और खुद दूर जाकर देखने लगी। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? रो कर कहा हुसैन के नाना की ज्यारत कर रही हूँ। शबी है पैगंबर अकबर, जितने शोहदा हैं, जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, किताब देख के मकसद देख के बात कर रहा हूँ। जितने शोहदा हैं, कासिम आए, हुसैन ने मना कर दिया, बेटे तुम भाई हसन की यादगार हो, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। अब्बास आए, हल्ली में रुख्सतिन इजाज़त है, हुसैन ने मना कर दिया। अंत हामिलु लिवाई वकाइदु मुअस्करी, तुम मेरे लश्कर के सिपा सालार हो, आलम बरदार हो, इजाज़त नहीं दे सकता। जौन काला हबशी गुलाम आया, उसे भी मना कर दिया। लोग कहेंगे गुलाम था, ज़बरदस्ती भेज दिया, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। हर को इजाज़त नहीं दी, किसी को हुसैन ने फौरन से इजाज़त नहीं दी। आउन मोहम्मद आए, इजाज़त नहीं दी। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के बेटे, ज़ैनब के बेटे, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। वाहिद पूरी तारीख करबला में अली अकबर है। जब आए ना बाबा इजाज़त दीजिए, तो हुसैन ने बोला कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं है। कहा बाबा इजाज़त दे दीजिए। नज़र मिन रसे ही इला कदमे, अकबर को सर से कदमों तलक देखा। वह अरखा रसहू, अपने सर को झुका लिया। वह बका बुका अन आ लिया, बिलक बिलक कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस पूरे माहौल से उलमा ने यह जुमला निकाला, शायद हुसैन ये कह रहे हो अकबर अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता, तुझे पता चलता बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजरती है। जाओ अकबर बेटे, अगर इजाज़त लेनी है तो खैमे में जाओ, अपनी फूफी से इजाज़त लो, अपनी माँ उम्मे लैला से इजाज़त लो। गए खैमों में मक्तल के जुमले, जैसे ही खैमों में वारिद हुए, चारों तरफ से बीबियाँ हल्का बनाकर बैठ गई। हर बीबी रोती जाती थी और कहती जाती थी अकबर इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पर रहम करो, अकबर इरहम गुरबतना। चारों तरफ से कोहराम मचा है। हुसैन इब्ने अली आए, दानहू जाने दो अकबर को, अकबर राह खुदा में फना होने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। मक्तल में रावी हुमैद इब्ने मुस्लिम खड़ा है, वो कहता है जब अकबर निकलने लगते थे 17 से 18 मर्तबा खैमे का पर्दा उठा है और फिर गिरा है। जब अकबर निकलने लगते थे कोई बच्ची अकबर का दामन थाम लेती थी, भैया मुझे ऐसे तो छोड़ कर न जाओ। आज अकबर को रवाना कर रहे हैं, हुसैन अपनी जिंदगी को रवाना कर रहे हैं। अकबर को खुद सवार कराया हुसैन ने, दाढ़ी को अपनी बुलंद किया आसमान की तरफ।
اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا بزيارة وجه رسول الله نظرنا إليه اے میرے اللہ میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو بول میں جو چال میں جو سیرت میں جو صورت میں جو رفتار گفتار کردار ہر چیز میں اللہ کے رسول کی شبیہ تھا جب جب میرا دل تڑپتا تھا نانا کی زیارت کو اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا اکبر کو روانہ تو کر دیا لیکن اکبر کو لگا کہ بوڑھا باپ آ رہا ہے مڑ کر جو پیچھے دیکھا بابا الوداع کر چکا آپ کیوں آ رہے کہ اکبر بیٹے جا رہے ہو مڑ مڑ کے زیارت کراتے حسین کیسے کس دل سے بھیج رہے ہیں نہیں معلوم گئے اکبر میدان جنگ میں جنگ لڑی پہلے حملے میں 120 افراد کو واصل جہنم کیا جب 120 افراد کو واصل جہنم کر چکے واپس پلٹے بابا پیاس لگ رہی ہے اس عالم غربت میں پیاس پانی کا سوال بیٹے اپنی زبان میرے دہن میں رکھو دہن مبارک حسین میں اکبر نے زبان رکھی فوراً پیچھے ہٹے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں جاؤ بیٹے جاؤ تمہیں رسول اللہ سیراب کریں گے دوبارہ گئے مقتل میں 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا مقتل نگاروں نے لکھا حسین جیسی جنگ اگر کربلا میں کسی نے لڑی تو اکبر نے لڑی ہے واحد علی اکبر ہے چاروں طرف سے حملے منقذ ابن مرہ عبدی عمر ابن سعد کا حکم آنے کے بعد کہ یہ علی کا بیٹا ہے علی کی ذوالفقار چل رہی ہے ایسے نہ مارا جائے گا چاروں طرف سے حملہ کرو جب چاروں طرف سے حملے ہوئے منقذ ابن مرہ عبدی ملعون آگے بڑھا سر علی اکبر پر تلوار کبار کیا جیسے محراب میں دادا علی کا سر دو ٹکڑے ہوا تھا علی اکبر کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا خون بہنے لگا جب خون رہوار کی آنکھوں میں گیا رہوار خیموں کی طرف نہیں دشمن کی فوج کی طرف لے کر گیا جب دشمن کے بیچوں بیچ اکبر پہنچے مقتل کا جملہ فقط تعوہو اربن اربا جس کے ہاتھ میں جو تھا اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یا بچا علیکم من السلام بابا سلام آخر قبول کیجیے ختم ہو گئے مسائل ہو گیا گریا مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے مولا آپ لوگوں کو اسی طرح رونے کی توفیق عطا کرے اسی طرح ماتم کرنے کی توفیق عطا کرے آپ کے پرسے کو بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حسین کو آواز دی بیٹے نے یا بتاؤ مدد کے لیے نہیں پکارا ودا علیکم من السلام سلام آخر قبول کیجیے دوڑے حسین اللہ اکبر اجرکم علی اللہ ختم ہو گئے مسائل جب حسین اکبر کے قریب آئے تو دیکھا کہ پہلے سے زینب موجود تھی یہ کیا ہوا یہ ہوا تو کیا ہوا مقتل نگاروں نے لکھا جب اکبر نے آواز دی نا یا ابتا علیکم من السلام حسین دوڑے صدمہ اتنا بڑا تھا آدھے رستے میں سارے بال سفید ہوئے اور حسین زمین پہ گر پڑے اب کوہنیوں کے بل جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی آواز دو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا پہنچے لیکن زینب دوڑ کر پہنچی زینب جاؤ میری زندگی میں خیموں سے باہر نہیں آنا بھائی مجھے پتا تھا تجھ سے صدمہ برداشت نہ ہوگا تیری مدد کو نکلی تھی چلی جاؤ خیموں میں واپس زینب کبرا کو خیموں میں بھیجا آخری جملہ مسائب ختم ہو گئے اکبر کے سر کو اٹھایا دائیں طرف اکبر دیکھ رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے مسکرائے چہرے پہ تبسم آیا ہوا جیسے ہی سر حسین نے اٹھایا اکبر کی نگاہیں بائیں طرف پڑی زارو قطار اکبر رونے لگے حسین نے پوچھا بیٹے یہ کیا ماجرا ہے جب دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے بائیں طرف دیکھا تو زارو قطار رونے لگے کہا بابا جیسا آپ نے کہا تھا کہ اب تمہیں نانا سیراب کریں گے میں نے دائیں دیکھا تو رسول اللہ حوض کوثر لیے کھڑے ہیں آجا میرے بیٹے اکبر آجا میں تیرے لیے حوض کوثر لے کر آ گیا ہوں لیکن بابا جب میں نے بائیں دیکھا تو ماں فاطمہ زہرا بابا جملہ سنو بابا بابا کبھی تجھے دیکھتی ہے کبھی مجھے دیکھتی ہے نہ
जाने अब मेरा हुसैन क्या करेगा। बस ये सुनना था, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पे रखा। अलग दुनिया बाद खिलाफा, अकबर मर गया तेरे बाद हुसैन, अब जीने को दिल। على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون بار الله تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہر شیطانی اور دشمنوں کے جتنے بھی حملے ان کا جواب ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما ممبر سے حق ممبر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اتحاد بین المومنین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما کثرت کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا واجبات کو مخصوصاً جو پانچ وقت کی نمازیں ان کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما صدقہ امام زمانہ کا جتنے لوگ جو بیمار ہیں مخصوصاً وہ جن کا دل مجلسوں کے لیے تڑپ رہا ہے بیماری کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آ سکتے میسج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کیجئے کہ ہم بھی فرش اعضا پر آ سکیں بار اللہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جب تلک زندہ ہیں اپنے دسترخوان کا نمک بھی آل محمد کے در سے لینے کی توفیق عطا فرما پرچم عباس تلے ماتم حسین کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بر محمد و آل محمد صلوات وجہ زیارت السلام علیکم۔